और खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जहां पर बहराइच की नई जिलाधिकारी बनी मोनिका रानी। सभी जरूरतमंदों तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, यही होगी प्राथमिकता। आप सभी का सबसे तेज खबर सावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। जनपद बहराइच के कलेक्ट्रेट का पदभार ग्रहण करने पहुंची नवागंतुक जिलाधिकारी मोनिका रानी ने कोषागार में पहुंचकर पद ग्रहण किया। मीडिया से बातचीत करते हुए डीएम मोनिका रानी ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जिले के हर जरूरतमंद तक सरकार की सभी योजनाओं को पहुंचाना ही असली लक्ष्य है। आपको बता दें, गुरुग्राम की रहने वाली मोनिका रानी नोएडा में यमुना प्राधिकरण में ECEO के पद पर तैनात थी। शासन ने अब बहराइच का जिलाधिकारी बनाया। योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो धरातल पर ज्यादा से ज्यादा जो जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचे, ये प्राथमिकता रहेगी। विभिन्न विभागों के बीच में आपसी समन्वय बनाकर जनपद बहराइच ऊंचाइयों के चरम सीमा तक ले जाना जो है वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। और जो महिलाओं का सशक्तिकरण है, एक सवाल और है मैम, बहराइच में चूंकि आपकी पोस्टिंग के साथ ये माना जा रहा है कि महिला वैसे ही सशक्त यहाँ हो रही है, क्योंकि चार अधिकारी आप हो चुकी हैं आपको लेकर के यहाँ पे, तो लेकिन जो मुख्य विकास अधिकारी का जो पद है यहाँ पर, उन्होंने कभी मीडिया से रूबरू होना नहीं चाहा है, जैसा मीडिया अपेक्षा करती है कि जिले की जो मुख्य अधिकारी है वो शासन की योजनाओं को किस तरीके से ला रही धरातल पर, उसकी एक जानकारी टाइम निर्धारित करूंगी डेली का, या एक टाइम प्रॉपर निर्धारित होगा तो उसमें आप हमसे बात कर सकेंगे। और बाकी जो आप चाह रहे हैं वो काफी गहराई की बात कर रहे हैं, अभी मैं जस्ट आई हूं। नहीं, ये आपसे थोड़ा जान लूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अधिकारी मीडिया से भागता है या कुछ है। बहुत अच्छा मैडम, आपने बहुत अच्छा।